भाई लोगों से जो पूछे वो या तो आगे आके बोले या तो पीछे से हाथ उठा दे जरा। हाँ जी, मानसा का अर्थ क्या होता है? मन शब्द है, मन अर्थात सोचने विचारने की शक्ति, उसको कहते हैं मन। और उससे बना मानसा, जैसे कहते हैं मनसा शक्ति, कैसी शक्ति? मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति। तो मानसा ने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया है। मानसा वालों ने मिनी मधुवन बनाने की प्रेरणा खुद ब खुद हासिल की या कोई ने आकर के एडवांस ज्ञान दिया, एडवांस कोर्स दिया, एडवांस की भट्टी कराई, उसके बाद मिनी मधुवन बनाने की प्रेरणा पाई? क्या हुआ? असली बात बताओ। है, है? कोर्स कराया गया, भट्टी कराई गई, तब मिनी मधुवन बनाना शुरू किया? झूठ बोलते हो? है, पहले से ही 10-12 आत्माएं निकल खड़ी हुई और बुद्धि में आ गया ये रास्ता झूठा है, सही रास्ता नहीं भी मिला तो भी संगठन अलग बना के खड़ा कर लिया और मकान भी तैयार करना शुरू कर दिया। भले पक्की रूपरेखा नहीं आई लेकिन मनसा के अंदर प्रेरणा तो आ गई ना, इसलिए नाम पड़ा मानसा। और महाराज एक मूर्ति ने बोला कि गीता पाठशाला की यादगार है जो तो गीता मंदिर है वो गांव गांव शहर से है, तो गीता मंदिर किसको कहेंगे? मैंने ये गीता पाठशाला भी है, गीता पाठशाला में गीता ज्ञान देने वाला कौन? गीतापति भगवान। तो जो मिनी मधुवन है वो भी गीता पाठशाला है, वहां भी गीता ज्ञान देने वाला स्वयं भगवान है। गीता ज्ञान मंदिर भी इसी बात की यादगार है, गीता पाठशाला की। अब चाहे वो छोटे मंदिर हो या बड़े मंदिर हो, अगर छोटे मंदिर भी हैं जहां पति पत्नी इकट्ठे होकर के गीता ज्ञान मंदिर बनाते हैं तो उनका काम है कि खुद पवित्र रहें और दूसरों को पवित्र बनने का ज्ञान सुनावें। परंतु गीता पाठशाला वो तब ही संसार में प्रत्यक्ष होती है जब कम से कम एक बार भगवान आकर के वहां गीता ज्ञान सुनावे। इसलिए यादगार में गांव गांव में, शहर शहर में वो गीता मंदिर बने हुए हैं। नहीं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग होता है, वहां लक्ष्मी नारायण की मूर्ति ही होती है और गीता मंदिर में तो ढेर सारे चित्र होते हैं जिसमें कृष्ण के चरित्र दिखाए जाते हैं, कृष्ण की जीवन कहानी दिखाई जाती है। और बत्ती में दिखाते हैं गीता, सीता का जन्म धरती से हुआ और रात में धरती में समा गई थी, वेद का त्याग। राम के साथ सीता का गायन है, कृष्ण फेल हुआ ऐसे नहीं कहते हैं,
क्या कहते हैं, राम फेल हुआ। तो राम फेल हुआ तो क्या सीता फेल होने से बच गई है? राम फेल होगा तो सीता भी फेल हुई। तो वो राम कौन है जो फेल होता ही नहीं है? है राम शब्द का अर्थ ही है रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, अर्थात योगियों के मन में जो रमण करता है, खेल खिलाता रहता है, खेलता रहता है, जिसकी याद में योगी रमण करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वो राम है। तो असली राम कौन हुआ जो फेल नहीं होता? शिव बाबा। और जिसमें प्रवेश करता है वो है बाद का राम। वो फेलियर भी होता है तो उसकी सीता भी फेलियर होती है। तो जैसे बाबा कहते हैं, दो बाबाएं हैं, एक हद का बाबा, एक बेहद का बाबा, एक छोटा बाबा, एक बड़ा बाबा। तो ऐसे ही मम्माएं भी दो हैं, एक छोटी मम्मा, एक बड़ी मम्मा। ऐसे ही सीताएं भी रामायण में दो दिखाई गई हैं, एक सीता दिखाई गई है जिसके लिए बोला है तुम पावक में करो निवासा तब लगी करो निशाचर नासा। सीता को कहा कि तुम योगाग्नि में निवास करो तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं। तो जो असली सीता है उसको तो योगाग्नि में बैठा दिया। वो योगाग्नि में बैठने वाली सीता बेसिक में बैठी होगी या एडवांस में होगी? बेसिक में। और दूसरी एक मूर्ति बना दी, सोने की मूर्ति, पांच तत्वों की मूर्ति, और उसका नाम रख दिया सीता। रावणों से दूसरे नंबर की सीता को उठा के ले गया। तो रुद्रमाला में जो ऊपर का दूसरा मणका है, पहला मणका है राम वाली आत्मा, दूसरा मणका है सीता वाली वो आत्मा जो सोने की मूर्ति के रूप में दिखाई गई है, माने सच्ची है परंतु जड़त्वमयी बुद्धि है, जड़ तत्व की बनी हुई है, यह चैतन्य है, जड़ तत्व की है। जड़ तत्व की मतलब क्या हुआ? जड़त्वमयी बुद्धि है। जड़त्वमयी बुद्धि पहले भगवान बाप को गहराई से पहचान करके फिर एक बार पहचान लेगी तो कभी छोड़ेगी क्या? छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। और जो जड़त्वमयी बुद्धि होगी तो पहचानेगी तो, साथ में रहेगी तो, लेकिन फिर जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण छोड़ भी देती है। इसलिए मुरली में बोला है मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, छोड़ के चले जाते। तो रावण से युद्ध करना पड़ता है, बाप प्रैक्टिकल साकार में मिले और मिलने के बावजूद भी उसे छोड़ दिया जाए तो रावण के चंबे में फंसेगा या नहीं फंसेगा?
फंसेगा। तो सीता के लिए जो बोला, क्या बोला समझ में आया? माता जी ने किसने पूछा था? आपने जो जमीन की बात कही ना, तो जमीन जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। माना जो पांच तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी स्वयं ही सीता का रूप है। सीता माता कही जाती है। जैसे माता प्रतुलाती फैलती है, कन्या है तो फैली हुई नहीं है, माता बनती जाती है, वैसे वैसे विस्तार को पाती जाती है। ऐसे ही ये भारत भूमि, भारत माता जिसे कहा जाता है देवी के रूप में, वो कन्या है तो भारत माता को कन्या के रूप में दिखाते हैं। जब वो जगत माता बन जाती है तो फैल जाती है। पहले भारत में ही दुनिया समाई हुई थी, माने दुनिया का छोटा रूप था कन्या का रूप, कन्याकुमारी। फिर बाद में 2500 वर्ष के बाद वो माता का रूप धारण करती जाती है। नए नए धर्म, धर्म पिताएं, धर्म के फॉलोअर्स इस सृष्टि पर आते जाते हैं, धर्म खंड बढ़ते जाते हैं और माता का रूप बड़ा होता जाता है। तो पृथ्वी ही वास्तव में सीता माता है। ऐसे तो सीता आत्मा को कहा जाता है, तुम सब सीताएं हो। तो हम सब आत्माएं हैं कि सीताएं हैं? हैं तो आत्माएं। फिर बाबा ने ये क्यों कह दिया तुम सब सीताएं हो? हाँ, सीताएं हैं माने राम हमको छुड़ाने आया हुआ है। राम छुड़ाने आया हुआ है और हम रावण की जेल से छूटना चाहते हैं, तो हम चैतन्य सीताएं हैं। और दूध दही और जो शहद डालते हैं उसका बेहद में क्या मतलब है? भक्ति मार्ग में रिटर्न सर्विस चलती है। क्या? सूरज के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो सूरज तो भगवान का रूप है, भगवान हमको ज्ञान जल देता है कि हम भगवान को ज्ञान जल देवे हैं। लेकिन संगम युग में भगवान ने हमको ज्ञान जल अर्पण किया है, तो भक्ति मार्ग में हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं। जैसे जल चढ़ाते हैं वैसे ही दूध भी चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर जावेंगे सोमवार के दिन, पानी की भरी हुई लोटी होगी, उसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे और अर्पण करेंगे। वास्तव में वो बुद्ध रूपी लोटी कोई दूसरी चीज नहीं है, भक्ति मार्ग में होता है जड़त्व और ज्ञान मार्ग में होता है सब चैतन्य में। ये कन्याएं जो है वो बुद्ध रूपी लोटी हैं, छोटी सी लोटी। उस लोटी में पानी ज्यादा है और दूध थोड़ा सा है। ऐसी लोटी भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं। वो दूध चढ़ाना हो गया, दूध में पानी मिला के चढ़ाना हो गया, ऐसे ही मक्खन भी चढ़ाते हैं, दही भी चढ़ाते हैं। वे भांति भांति के ज्ञान के रूप हैं। भगवान हमको घृत भी देता है। घृत क्या है? याद में जो हम टिकते हैं वो ही हमारा घृत है। कभी कभी ना चाहते हुए भी याद बड़ी अच्छी लगती है। तो जैसे कि भगवान हमको याद का घृत अर्पण करता है। बाबा कहते हैं
जो मेरे सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं उन्हें मैं याद करता हूं। तो भगवान याद करेगा तो ज्यादा मजा आवेगा या हम याद करेंगे खींच के तो ज्यादा मजा आवेगा? भगवान याद करते हैं तो हमको बड़ा मजा आता है, जैसे कि घी पीते हैं। भारत को मुसलमानों ने लूटा तो संगम में ब्राह्मणों की दुनिया में मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नहीं है, है कि नहीं है? और संगम युग में भारत के रूप में पार्ट बजाने वाला पार्टधारी है या नहीं है? तो जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं इस समय भारत को लूट सकती है या नहीं लूट सकती है? है? लूटती है माने धोखा देती है। वहां भी कन्वर्ट होने वालों ने भारत को धोखा दिया, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के चले गए। यहां लिया सत्युग त्रेता में सुख और द्वापर में दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के भारत को छोड़ के चले गए। ऐसी आत्माएं यहां भी हैं जो भारत में अर्पण तो होती है, कन्वर्ट तो हो गई, लेकिन भगवान बाप की बनने के बाद बाप से सुख भी लेती है और सुख लेने के बाद जब परीक्षा का टाइम आता है तो धोखा दे करके चली जाती है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही लूटना है। और जिन्हें राधा कृष्ण आपने कहा ना, वो राधा कृष्ण वाली आत्माएं तो प्रवेश होकर के पार्ट बजा रही है, भूल गए? जो जन्म देने वाले हैं वो शरीरधारी है, लक्ष्मी नारायण संगम युग के, और उनमें जो प्रवेश हैं वो संगम युग के राधा कृष्ण हैं, शरीर सहित नहीं है वो। और ज्ञान बरसात अव्यक्त बारे में बोला, ये जिस समय बाबा शरीर छोड़ने वाले हैं उस समय की वाणी में बोल दिया होगा, तो छुट्टी लेके गए ना। वो मुरली पढ़ के सुना दी गई तो उसमें क्या लिखा, बरसात छुट्टी लेकर के जा रही है, तो ज्ञान की बरसात तो ब्राह्मणों की दुनिया में तब तक होती है जब तक शिव बाबा मुरली के एक एक महावाक्य का क्लेरिफिकेशन न दे दे। तो अभी तो कई साल से बाबा बोलते चले, बाबा ने बच्चों को सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ भी रखा नहीं है। तो जब सब कुछ दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, बरसात का काम खत्म हुआ। जब बरसात पूरी होती है भाद्रपद में, भादव मास में, तो कौन सा महीना शुरू होता है, क्वार, क्वार कार्तिक आता है ना,
तो वो टाइम आता है रावण को मारने का टाइम, दशहरा आता है, रामनवमी आती है। तो अब ये रामनवमी से पहले नौ देवियों का पूजन शुरू होने वाला है। जब नौ देवियों का पूजन शुरू होता है तो धीरे धीरे बाबा के महावाक्य लोप होने लगते हैं। जैसे बेसिक में हुआ, बेसिक में ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक उनकी मान्यता थी, और शरीर छोड़ने के बाद फिर किसकी मान्यता शुरू हो गई है? देहधारियों की मान्यता शुरू हो गई। ऐसे ही जहां जैसे वहां होता है वही बात यहां भी होती है। और बैकुंठ का ट्यूब, बैकुंठ का ट्यूब शूटिंग, बैकुंठ की जो शूटिंग है वो थोड़ी सी आत्माओं के लिए शुरू होगी या ढेर की ढेर आत्माओं के लिए होगी? थोड़ी सी आत्माओं के लिए शुरू होगी। हाँ तो 2018 के बाद से शुरू होगा। पहले कैसे हो जाएगा? अरे पारिवारिक इकाई जो है उसकी शुरुआत 2018 के बाद होगी या पहले होगी? 18 के बाद ही होगी, पहले कैसे हो जाएगी? तमो प्रधान से सतो प्रधान होना कम से कम कितने साल बताया है? 40 साल बताया। तो 40 साल पूरे होंगे नहीं और पहले से ही बैकुंठ शुरू हो जाएगा। बैकुंठ सतो प्रधान स्टेज है या तमो प्रधान स्टेज है? सतो प्रधान स्टेज। तो 40 साल पूरे होंगे तभी तो बैकुंठ कहा जाएगा, उससे पहले कैसे कहा जाएगा? और ब्रह्मा बाप और जगदम्बा नहीं, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। ब्रह्मा का मतलब हुआ ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा सो कौन हो गया? विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु, वो तो दोनों एक हो गए कि अलग अलग हुए? वो तो एक ही हो गए, ब्रह्मा सो विष्णु। फिर बाप, बाप कौन? शिव बाप। कौन से स्वरूप के द्वारा? शंकर के द्वारा। तो शिव बाप हो गया और जगदम्बा। जगदम्बा माने ब्रह्मा का जो रूप था जिसकी पूजा होती है वो रूप। बदल कुछ भी नहीं गया। और तीन मूर्तियां प्रत्यक्ष हुई हैं, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। पहले कौन कौन प्रत्यक्ष हुआ? पहले ब्रह्मा से विष्णु, उसमें दोनों मूर्तियां आ जाती हैं। विष्णु भी आ गया, वैष्णव देवी भी आ गई और बाप भी आ गया। दूसरी मूर्ति बाप बता दी, बाप माने शिव शंकर भोलेनाथ। और तीसरा जगदम्बा, जगदम्बा लास्ट में प्रत्यक्ष हुई है इसलिए तीसरा नाम लिया जगदम्बा का। और आपने जब निश्चय पत्र लिखा था तो जगदम्बा का नाम लिखा था
लिखा था ना, तो अब आप उसे बदल देंगे क्या? हैं? जो सारे जगत की अम्बा है, जगत पिता की भी अम्बा होगी या नहीं होगी? जगत पिता जगत के अंदर है या जगत के बाहर है? तो यज्ञ का जब आदि हुआ, ज्ञान यज्ञ का, उस समय शिव बाप ने आकर के माता में भी प्रवेश किया और बाप में भी प्रवेश किया। तो बाप जो ब्राह्मण बला पहला ब्राह्मण, वो किसकी संतान हुआ? ब्रह्मा की संतान हुआ। तो वो ब्रह्मा कौन? वो आदि देवी, वो जगदम्बा हो गई। ब्रह्मा ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? था। प्रजापिता तभी कहा जाएगा जब ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण बनने के लिए मुख चाहिए, ब्रह्मा का मुख चाहिए। तो कौन सा मुख हुआ पहला? पहला है जगदम्बा। तो जगदम्बा में शिव ने प्रवेश करके उनके साक्षात्कारों का, ब्रह्मा के साक्षात्कारों का, हाँ, डिटेल सुनाया। और जैसे वो डिटेल प्रजापिता ने सुना, वैसे ही उसकी बुद्धि में आ गया, उसी क्षण उसने उसका अर्थ सुना दिया। तुम्हारे बाल बच्चा पैदा हुआ कि नहीं है? हुआ। तो जब बच्चा पैदा किया तो दोनों ने किया कि अकेले ने किया? तो काहे के लिए फालतू बातें करते हैं, भूल जाते। अरे कि पहले की ज्ञान का ज्ञान, पहले ज्ञान का ही आकाश भक्ति बनाते हैं। अब बड़ा बड़ा कहेंगे तो भक्ति जो है वो भागने वाली है पीछे पीछे, और ज्ञान आगे आगे चलेगा कि पीछे पीछे भागेगा? तो बड़ा कौन? जो किसी का आधार न ले वो ज्ञानी, जो आधार ले वो भगत। नाम ही रखा है भक्ति, तुम सब भक्तियां हो, राम है एक। इसका मतलब क्या हुआ? तुम सब सीताएं हो, राम है एक। इसका मतलब एक है ज्ञानी तू आत्मा, और बाकी सब हो गई भक्तियां। एक है राम और बाकी सब हो गई सीताएं। बाकी इतना जरूर है कि सीताओं को, द्रौपदियों को, भक्तियों को अगर निग्लेक्ट किया गया, उनको मान नहीं दिया गया, तो सफलता नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं भक्ति में शक्ति। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि कौन सी भक्ति में शक्ति, कौन सी सीता में शक्ति आती है। जिस सीता के अंदर वो राम समाया हुआ हो, उसमें शक्ति आती है। और ये देवियां दो प्रकार की होती हैं। एक है बागम्बरी देवी, बाघ कहते हैं टाइगर को, और एक होती है सिंहवाहिनी, शेर के ऊपर सवारी करने वाली। तो सिंहवाहिनी
और बागंबरी, उनमें कौन सी जगदम्बा है और कौन सी लक्ष्मी है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, है जगदम्बा सिंहवाहिनी? जगदम्बा को सिंहवाहिनी नहीं दिखाते हैं, जगदम्बा को बागंबरी देवी के रूप में दिखाते हैं। बाघ में और सिंह में क्या अंतर होता है? कुछ अंतर है या नहीं है? है हाँ, शेर जो है सीधा साधा है, डायरेक्ट सीधा हमला करने वाला है, छल छिद्र नहीं होता है। और टाइगर देख लिया? अच्छा, अभी मौका ठीक नहीं है, अभी हमला करने से ठीक नहीं होगा, छुप जाता है। जब देखता है कि मौका बढ़िया है, दार से हमला कर देता है। ज्यादा खतरनाक कौन सा हुआ? बाघ बहुत खतरनाक होता है। तो देवियों में दुर्गा गायी हुई है, वो दुर्गा ही महाकाली का रूप धारण करती है। और नूर माने रोशनी, रोशनी माने आत्मिक स्थिति। वो एक कौन है? वो एक दीपक, वो एक रोशनी कौन सी है? वो आत्मा रूपी दीपक कौन सा है जो दीपावली में पहले पहले जलाया जाता है? कौन सा है? धर्मराज का दीपक, अर्थात शंकर वाली आत्मा जिसमें धर्मराज प्रवेश है। कौन है धर्मराज? धारणाओं का राजा, ब्रह्मा की सोल प्रवेश है। वो दीपक ज्ञान का पहले जलाया जाता है, उस दीपक से फिर और दीपकों में रोशनी आती है। तो फिर बोल दो वही वाक्य। एक नूर है, यानी एक आत्मा है जो खुदा का नूर है, और उसने उनसे सब जगह उपजय, उपजय माने सबको आत्म की स्मृति आती है। और शंकर है, हाँ माना बाबा निग्लेक्ट करते हैं शंकर को, कि ब्रह्मा कुमारियां निग्लेक्ट करती हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियां शंकर को कहते हैं है ही नहीं, और शिव बाबा कहते हैं शंकर है। ऐसे मत कहो कि शंकर है ही नहीं, शंकर है। हाँ, परंतु वो बुद्धि से साक्षात्कार होने की बात है, या तो बंदाखों से साक्षात्कार होने की बात है। और खत्म हो गए क्या? योनियों की भी कैटेगरीज होती है, जैसे मनुष्यों की कैटेगरीज है। मनुष्य एक प्रकार की योनि के ही होते हैं कि मनुष्यों की अनेक प्रकार की योनियां हैं? है, मनुष्यों की एक ही प्रकार है, देव योनि नहीं है? है या नहीं? प्रेत योनि नहीं है? है,
ऐसे ही चौपाए होते हैं, चार पांव से चलने वाले। उन चौपायों में एक योनि डायनासोर की भी थी, द्वापर के आदि में। खुदा न खास्ता जिस जंगल में वो डायनासोर रहते थे उसमें आग लग गई और वो सारे डायनासोर मर गए। उनमें से कोई एक खुदा न खास्ता बच गया। जो एक बचा वो स्त्री होगी या तो पुरुष होने वाला होगा। तो जो एक बचा उसका संसर्ग पानी में रहने वाले घड़ियाल से हो सकता है या नहीं है? बोलो, हो सकता है। तो दूसरी योनि चालू हो गई, वो डायनासोर खत्म हो गया। और अब दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, दुनिया की कही हुई बातों को हम क्यों रिपीट करते हैं बार बार, जबकि हमें मालूम है कि वो भी जितने सितारे हैं वो सब जड़ सितारे हैं। जैसे पृथ्वी जड़ है और अगर कोई चंद्रमा पर पहुंच जाए तो पृथ्वी को देखेगा तो जड़त्व में ही पृथ्वी दिखाई पड़ेगी चंद्रमा की तरह या नहीं है? वो कोई देवता तो नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे ही ये जितने भी सूरज चांद सितारे वगैरह हैं, वो सब जड़ हैं और वो अपनी जगह पर भी घूमते हैं और ग्रह उपग्रहों का भी चक्कर लगाते हैं, सूरज का भी चक्कर लगाते हैं। उनमें से खुदा न खास्ता कोई हिस्सा टूट पड़ता है तो टूटने वाला हिस्सा जो है या तो पृथ्वी के आकर्षण में आ जाएगा, पृथ्वी में समा जाएगा, या तो दूसरे ग्रह के आकर्षण में आ जाएगा तो दूसरे ग्रह में समा जाएगा। इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। और जैसे पानी बहता है नदी का और कहीं गहरा गड्ढा हो जाता है नदी में, बहता हुआ पानी जमीन को फोड़ देता है, वहां का रेत उखड़ जाता है और वहां एक चक्रवात पैदा हो जाता है। सारा पानी आकर के उस चक्रवात में घुसता है नदी में, तो वो होल हो जाएगा कि नहीं? अब उस चक्रवात में भंवर में जो चीज आ जाएगी वो अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? यही होल हो गया। पृथ्वी में ऐसे जाने कितने चक्रवात। और चेंज तो आप तब करेंगे जबकि आप जानते होंगे 5000 वर्ष का ड्रामा जो इस जीवन में आपने देख लिया, इस एक जीवन में, वही आपको याद है या उससे पहले के जन्म भी याद है? तो आप चेंज कैसे करेंगे है? हू बहू ड्रामा, आपने जैसे हाथ उठाया ऐसे ही उंगली उठा के हाथ उठाएंगे 5000 साल के बाद, इसी कुर्सी पे बैठे होंगे है? इसी कुर्सी पर बैठे हुए होंगे, इसी कमरे में बैठे हो, इसी हाल में बैठे हुए होंगे, दूसरा हाल भी नहीं होगा है? कोई भी प्रश्न तब पैदा होता है
जबकि प्रसन्नता नहीं होती है। प्रसन्न है भगवान के महावाक्य के ऊपर पूरा विश्वास है कि पृथ्वी हूबहू रिपीट होती है, ये चक्र है, ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। प्रश्न पैदा ही तब होते हैं जब कोई न कोई अनिश्चय आता है। अरे जो चीज जहां से आई है वहीं वापस जाएगी कि नहीं? आप अपने घर से आए हैं, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे? घर वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो ऐसे ही दुनिया का एक एक अणु, एक एक कण, एक एक आत्मा जहां से आई है 5000 वर्ष का चक्कर काट काट करके और फिर वही वापस पहुंचेगी। ज्ञान सुख के समझ के मालूम है कि क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मालूम है, तो फिर भी जो हो जाता है जबरदस्त करो। 63 जन्म में किया किसने है? आपको कोई दूसरा ने किया है? तो हम लोगों ने किया है तो हम ही भरेंगे। अच्छा किया है, अच्छा किया है तो अच्छे संस्कार उदय हो जाते हैं, बुरा किया है तो बुरे संस्कार उदय हो जाते हैं, न चाहते हुए भी हमसे बुरा करा के छोड़ेंगे। तो कई बार इसका ऐसा होता है कि क्या करें, जो पहले किया होता बुरा है, क्या करें? जैसे मान लो किसी को बोल रहे हैं क्या करो, तो ये किया बने पहले तभी तो हो रहा है, किसी को हो रहा है। भगवान ने हमको क्या पढ़ाया है वो क्यों नहीं याद आता? क्या करें? ड्रामे में जो कुछ हो रहा है वो ड्रामे में होने वाला कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है, तो हम क्या करें? हमारे करने का सवाल पैदा कहाँ होता है? हमें तो वो ही करना है जो बाबा ने हमें रास्ता बताया है। ये क्या करें का प्रश्न अज्ञानी का है या ज्ञानी का है? ज्ञानी है तो क्या करें बात ही नहीं आती, वो ही करें जो बाबा ने हमें बताया है। ड्रामा कितना भी उल्टा होता जा रहा है, हम समझते हैं ये हमारे लिए अकल्याणकारी है, होने दो, हम पक्के हैं कि यही कल्याणकारी है जो हुआ है। आखिरी एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी बुद्धि में बात बैठ जाएगी कि जो हुआ वो ही कल्याणकारी था, वो ही अच्छा था, दूसरा नहीं होना चाहिए। 5-4 साल बाद ड्रामा रिपीट हो रहा है, फिर हमें आने वाली बात याद भी नहीं आती। आने वाली बात पहले ही क्यों नहीं जान पाते हम? आने वाली बात पहले ही क्यों नहीं जान पाते? और ये किसी आदमी को 5वीं मार से नीचे सड़क पे डाल दो, उसका सर फट जाएगा, हॉस्पिटल में ले जाओ तो डॉक्टर मोस्टली यही कहेगा इसकी स्मृति, ये तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मौत उससे बड़ा एक्सीडेंट है या छोटा एक्सीडेंट है? है बड़ा एक्सीडेंट है तो उसमें तो सब भूल जाते हैं, बड़ी बात है क्या? कोई कोई ऐसे होते भी है कि मौत होने के बाद दूसरा जन्म लेकर के आते हैं, ढेर सारी बातें उनको याद भी रहती है। तो यहां तो अनेक जन्म हुए हैं, अनेक बार मृत्यु हुई है, अनेक बार इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, इसलिए 21 जन्म का तो याद ही नहीं रहता, वही अच्छा है, लेकिन इन 63 जन्मों में भी हमें कुछ नहीं याद रहता, न याद रहे वो ही अच्छा है। नहीं तो एक जन्म में जो फांसे हुए हैं रिश्तेदार संबंधी, वो इतना दुख दे रहे हैं, और हर जन्म का याद रहेगा तो सब जन्मों के रिश्तेदार संबंधी जितने भी हैं मिटमेट, वो सारे आगे हमला करेंगे। कहा कि
चले बाबा की सफाई के लिए, अरे हमारा कंधा वापस करके जाओ है। जैसे कोई आत्मा बाबा की आपसे बैठी है बहुत गलत थे, पूरी सुनते नहीं सुनते। बाबा ने उसको हमें कहा था कि सारे तेसरे को रिश्तेदार आते हैं हमारे करदार देनदार देनदार, वो कहते पहले हमारे हिसाब से करो तो बाबा से मिलने के लिए। किस रूप में आते हैं? कर्मों के रूप में आते हैं, संकल्पों के रूप में आते हैं, स्वप्न के रूप में आते हैं। वेद माने क्या? ज्ञान के हिसाब से। क्या ज्ञान के हिसाब से ही तो बताया, और कहा ज्ञान के हिसाब से बताया है? बाद में आएगा, बाद में आएगा, इन्हें बता देना बाद में। हाँ माना वो ये कह रहे हैं हम मानसा के नहीं हैं, इसलिए हम ये बात नहीं मानेंगे। हम मानसा में पैदा हुए होते तो हम मान लेते। क्या नहीं क्लियर हुआ सो पूछो। तो संकल्प चलाया ना मानसा वालों ने, संकल्प पहले ही चलाया, कोर्स नहीं लिया किसी से, भट्ठी नहीं की। हाँ हाँ मनसा माने मन में संकल्प आया है, ये उनके मनसा वालों के मन में संकल्प आया, स्वतः ही संकल्प आया कि ये रास्ता सही नहीं है, सही रास्ता कोई और है, इस रास्ते पर हम चलेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। हमारा कोई ना एक आत्मा है, उसको पता है कि ठीक क्या है गलत क्या है, वो ठीक करना चाहती है, फिर भी उसमें हमेशा गलत ही होता है। उसका ये पिछले जन्मों का ऐसा अंतर है जब उसे पता ही नहीं है ठीक क्या है गलत क्या है, ये पता उसको है कि ये ठीक है, माने ज्ञान में चलती है, ज्ञान की बात नहीं। जब ज्ञान में नहीं चलती है तो ठीक और गैर ठीक का पता कैसे होगा, सत्य क्या है असत्य क्या है, उसका ज्ञान तो उसी को हो सकता है जिसको सत्य बाप मिला हो। जिसको सत्य बाप भी नहीं मिला है तो वो सत्य असत्य का फर्क कैसे करेगा? और विनाश का कारण क्या होगा? आधा विनाश का कारण होता है आत्माभिमान, खिसकते 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 आठ कला से सवा आठ किला में देवहन पहुंच गया। अब पौने आठ कला हो गया आत्माभिमान, तराजू हो तराजू का काटा बिल्कुल ठीक है बराबर, दोनों पलड़े बराबर है, एक में एक ग्राम थोड़ा सा डाल दो तो जितना अच्छा कांटा होगा वो फटाक से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे ही हो गया। नहीं समझ में आया? स्नान करते हैं, स्नान क्यों करते हैं? वो तो सीधी सी बात है, आदमी शरीर छोड़ता है तो कोई का शरीर तो ज्यादा शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है तो ज्यादा लंबे समय तक शुद्ध बना रह सकता है, कोई का शरीर जो है उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा है तो बदबू जल्दी आएगी, कीड़े जल्दी पड़ेंगे, इसलिए उसको स्पर्श करें। तो जैसे डॉक्टर लोग हैं
कोई मरीज को टच करते हैं तो क्या करते हैं, ग्लोब पहन लेते हैं और ग्लोब उतारते हुए तो अच्छी तरह हाथ पांव धोते हैं, तो ये शुद्धता की बात है। बाबा नहाना चाहिए तो नहीं जरूरी है? क्यों नहीं नहाना चाहिए, मरा हुआ शरीर है, है? अच्छा वो भक्ति मार्ग की बात जो है, भक्ति मार्ग की बात ये है कि जो मरा मर गया माने जीते जी मर गया, तो जो जीते जी मर गया तो दूसरों को भी प्रेरणा पैदा होती है। ये जीते जी मरा है तो ज्ञान सुनकर के मरा है, ज्ञान स्नान करके मरा है कि ऐसे ही मर गया? कैसे मरा है? ज्ञान स्नान करके मरा है। तो हम भी क्या करें हैं? हम भी ज्ञान स्नान करेंगे तो हम भी जीते जी मर सकेंगे आराम से, नहीं तो हमके तकलीफ ज्यादा होगी। और अच्छी बात तो है, आखिर सबको मरना ही है कि नहीं मरना है? आगे पीछे सबको मरना है या नहीं मरना है? अरे हाँ ना क्यों नहीं करते हैं? जब सबको मरना ही है तो कोई को बुद्धि में आएगा कि अब हम जल्दी स्नान कर लें, हम जल्दी स्नान करेंगे तो जल्दी पवित्र बनेंगे, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, उसमें जल्दी ताकत आवेगी मरने की। ये जब मुर्दे को गिराकर आते हैं वापस आकर नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। दुनियादारी के हिसाब से बाबा पूछे किसी के जाते हैं? दुनियादारी के हिसाब से तो बता दिया ना, अपवित्रता जो है बड़े हुए शरीर के वाइब्रेशन फैलते हैं चारों तरफ, घर में से ले जाके वहां तक ले जाते हैं तो वाइब्रेशन फैलते हैं, वो वाइब्रेशन को अपने ऊपर कोई प्रभाव न रहे इसलिए स्नान करना जरूरी है, पवित्रता के हिसाब से शुद्धता के हिसाब से। और इस जन्म में तुम्हारा क्या है, किसवा जन्म शुरू हो गया, तुम क्या समझे बैठे हो, तुम्हारा पवित्र जन्म शुरू हो गया, फिर अभी कैसे काउंट कर लिया, कर लिया तुमने? अभी किसवा जन्म थोड़े ही शुरू हो गया है, अभी 84वां जन्म चल रहा है, अभी 21वां जन्म नहीं है। 21वां जन्म अगर हम कहें भी तो जब हम खुशी में रहते हैं, मौज में रहते हैं, तो हमारा उसी समय उतने ही समय का 21वां जन्म है, परमानेंट नहीं। अभी कहेंगे परमानेंट तब कहेंगे जब हमारी आत्म की स्थिति बढ़ जाए, सारी दुनिया की आत्म की स्थिति जब बढ़ जाएगी पूरी, तो उस समय फिर पलड़ा इधर का नीचे से ऊपर हो जाएगा। और कई आत्माओं को कई ज्ञान कई साल से कई मनुष्य सुना रहे और इससे नहीं हुआ, और कई आत्माओं को एक बार कभी सुनाते श्री बाबा को देखते ही कुर्बान हो जाते, ये कैसे हो रहा है? एक व्यक्ति को एक आत्मा से सुख होता है और दूसरी आत्मा से दुख हो जाता है, एक ही व्यक्ति से बहुत खुश होता है, उसी व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति बहुत नाराज हो जाता है, तो ऐसे ही टैली कर लो।
ये अपने अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। पूर्व जन्मों में जो जो आत्माएं ज्यादा कनेक्शन में आई हैं प्यार से, स्नेह से, वो अभी संगम युग में भी कनेक्शन में आती हैं और फट से हमारी बात समझ जाती है, ग्रहण कर लेती है। जिन आत्माओं ने 63 जन्म में विरोध किया है, वो अभी भी हमारे संपर्क संसर्ग में आएंगी, हमारी बात सुनेंगी, आग बबूला हो जाएगी। भक्ति मार्ग में जनेऊ पहनते हैं हिंदू धर्म वाले, और सिख लोग पहनते हैं घाघरा, उसका भेद क्या? क्या श्लोक पढ़ते हैं? हिंदुओं में तो नहीं पहनते हैं, सिखों में कृपाण पहनते हैं। हाँ जी, कृपाण है ज्ञान की कटार, ज्ञान की तलवार। यज्ञोपवीत है 3 देवताओं का पूरा ज्ञान धारण करना, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 सूत्र, 3 सूत्रों को एक ब्रह्म फांस में गांठ लगाते हैं, वो ब्रह्म है परम ब्रह्म परमात्मा शिव, शिव से वो तीनों देवताएं बंधे हुए हैं, माने तीनों देवताओं का ज्ञान सूत्र किसके साथ बंधा हुआ है? शिव के साथ बंधा हुआ है। वो ज्ञान का सूत्र धारण करना अपने जीवन में, माना ज्ञान को धारण कर लिए। पाकिस्तान को स्वर्ग बताया, हिंदुस्तान को नरक बताया। अच्छा अच्छा, उसका कारण ये है, हिंदुस्तान के राजाएं कितनी रानियां रखने वाले थे, और पाकिस्तान में तो मुसलमानों में मर्यादा है, 3-4 शादियां कर सकते हैं जीवन में, इससे ज्यादा नहीं। तो अभी भी चल रहा है, तो हाँ तो अभी है अभी तो राजाएं नहीं है, लेकिन चोरी छिपे क्या क्या कर रहे हैं तुम नहीं जानते है? ये हंसने की बात हो गई। अपना जानते अंदर सब कुछ है, ज्यादा भ्रष्टाचार भारत में चल रहा है या पाकिस्तान में चल रहा है, वहां पकड़ के जेल में डाल देंगे अगर इस तरह की बात कोई देखेंगे तो। अरब में जाकर के देखो, दुबई में जाके देखो, यमन में जाकर के देखो, कितना कठोर शासन है। तो वहां ज्यादा प्योरिटी है, यहाँ ज्यादा प्योरिटी है, तो फिर स्वर्ग कहाँ है? नौकरी करने कहाँ भाग रहे हैं? रोटी दाल खाने के लिए कहाँ भाग रहे हैं? हाँ भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते भगवान से सच्चे मन से स्वीकार हो जाती। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से, तो सच्चा मन कौन सा? अरे सच्चा मन कहो, सच्चा दिल कहो, वो तो एक ही होता है, 2-4 थोड़े ही होते हैं। तो प्रार्थना करते हैं सच्चे दिल से या सच्चे मन से, तो आगे कहना क्या चाहते हैं?
सबकी स्वीकार हो जाती है। कोई का सच्चा मन नहीं है। मन जो है वो सबके चंचल हैं या सच्चे हैं? तो सच्चे मन कहां से आ गए, सच्चा दिल कहां से आ गया? इस सारी दुनिया में सारे झूठे हैं, है? कोई कुछ नहीं स्वीकार होता है। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। अच्छे कर्म उदय होते हैं तो हमारा काम सफल हो जाता है, और जब बुरे कर्म उदय होते हैं तो हमारा अच्छा बनता हुआ काम भी असफल हो जाता है। बाबा जब व्यर्थ संकल्प जो अपने काम कर रहे हैं उनको फूल बर्फ में नहीं करना पड़ता? व्यर्थ संकल्प वो जो जाम कर लेते हैं अपने संकल्पों को जमा लेते हैं उनको फूल बर्फ में नहीं जमना पड़ता। अगली समय संकल्प चाहे व्यर्थ के हों और चाहे संकल्प समर्थ के हों, कोई भी संकल्प पैदा न हो तो माने संकल्प को जाम कर लिया। ठीक बात है। उनको ज्यादा समय नहीं दबना पड़ेगा। और जिन्होंने अपने संकल्पों को जाम करने की प्रैक्टिस नहीं कर पाई वो उतने ही लंबे समय तक बर्फ में दबे रहेंगे। जैसे कोई की आत्माएं तो है गई और तुरंत वापस आएंगी और अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। कोई आत्माएं हैं जाएंगी तो लेकिन 150 साल के बाद अपने शरीर में बर्फ में दबे हुए चोले में 150 साल के बाद प्रवेश करेंगी। है? वैसे ही माने कैसे? उनके तो हिसाब किताब बना हुआ है ना। जिन आत्माओं ने यहाँ बुद्धि में प्रवेश करके पाठ बजाया है वो ही आत्माएं वहां पेट में प्रवेश करके जन्म लेंगी। उसको निल स्टेज कहेंगे। जो सन्यासी होते हैं श्वास चढ़ा लेते हैं कुंभक मार देते हैं, कोई 5 मिनट कोई 10 मिनट कोई आधा दिन कोई 2 दिन कोई 4 दिन बिना श्वास प्रश्वास के बैठे रहते हैं, वो उनकी निल स्टेज है। जैसे आदमी सुसुप्त अवस्था में चला जाता है वो चैतन्य स्टेज नहीं है। चैतन्य स्टेज वो है जिसमें कम से कम अपनी आत्मा की स्मृति तो रहे, स्टार तो याद रहे, उसको निल नहीं कहेंगे। स्टार को याद करना बहुत ऊंची स्टेज है और निल स्टेज में जाना ये तो सन्यासियों की नीची स्टेज है। तो बाबा आत्मा का परमात्मा याद रहे और जिसकी अवस्था जैसी न बने और कोई बात जैसी याद ना आए तो उनको ज्यादा करना नहीं चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। व्यर्थ संकल्प हो चाहे समर्थ संकल्प हो, समर्थ संकल्प अगर चलते रहे तो भी जो संकल्प हमने किए हैं अच्छे वो अच्छे संकल्प यहाँ फल देने चाहिए कि नहीं? ब्राह्मणों का जो भी संकल्प किया हुआ होता है वो सफल होता है या नहीं?
तो अच्छा संकल्प करेंगे तो भी वो रिजल्ट में सामने आ जाएगा। है तो इस विनाशी दुनिया का संकल्प ना, अच्छा संकल्प हमने किया किया तो विनाशी दुनिया में ना, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो विनाशी दुनिया के लिए आएगा या नई दुनिया के लिए आएगा? हमको अपनी तरफ से कोई संकल्प नहीं करना। हमको बाबा ने बता दिया अच्छे से अच्छा क्या है, क्या बताया क्या बताया? अरे बोलो ना, क्या बताया? मन मना भव, क्या बता दिया? मेरे मन में समा जा। मेरा मन क्या है? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। इसमें नई दुनिया समाई हुई है। ये बीज रूप स्टेज है, इस बीज के अंदर सारी दुनिया समाई हुई है, सतो प्रधान से लेकर के तमो प्रधान तक के हमारे जन्म उस स्टेज में समाये हुए हैं। कैसे करें? प्रैक्टिस करो है? अरे दौड़ने वाले दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करते हैं ना। लंबी दौड़ होती है, दो दो चार चार दस दस किलोमीटर की, तो बिना प्रैक्टिस को हो जाती है क्या? प्रैक्टिस करते हैं तो दौड़ में जीत जाते हैं। ये भी रूहानी दौड़ है। क्या करें, कैसे करें? अरे प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस में सहयोगी बनेगा वैराग। ये दुनिया सब भस्म हुई पड़ी है, ये सब धोखेबाज है, कोई हमारे काम के नहीं आने वाले हैं। वैराग बहुत ऊपर में होता है, तो हवाई जहाज से ऊपर चढ़ जाओ है? और पूर्व जन्म ने भूल गए, हर बात में पूर्व जन्म नुदा हुआ है। मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्धी हैं, सन्यासी हैं, ये कम जन्म लेते हैं या ज्यादा जन्म लेते हैं? तो पुनर्जन्म पे इतना ध्यान ही नहीं जाता उनका। हम घड़ी घड़ी पुनर्जन्म को क्यों भूल जाते हैं? पुनर्जन्म में हर बात का रहस्य समाया हुआ है। वो याद रहे तो क्यों क्या कैसे के आधे प्रश्न तो खत्म ही हो जाते हैं। मुरली सुनना शुरू कर दें, याद नहीं आ रही है। अच्छा, ये हठयोगी होते हैं, हठयोग पूर्वक हठ पूर्वक अड़ के बैठ जाते हैं। वो कैसे बैठ जाते हैं? ऐसे हम भी हठ पूर्वक अड़ कर दें। अच्छे काम के लिए अड़ कर रहे हैं या बुरे काम के लिए? अच्छे काम के लिए हम हार करके क्यों भाग जाएं? अगर हम इसी तरह हार करके भागते रहे तो हमारे संस्कार भगोड़े के पड़ेंगे या युद्ध करने के पड़ेंगे? है भगोड़ा बनना है? है बिल्कुल नहीं बनना। और ओम शांति।